हाय एवरीवन, वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का। तो फटाक से सभी लोग जुड़े और मुझे कंफर्म कर दें ऑडियो वीडियो क्लियर है। और हाँ, दोस्तों को शेयर कर दो फटाक से, जिससे जुड़ जाए वो। जैसा कि आप देख रहे हो ना बेटा, आज आपको 2020 के क्वेश्चंस मैं कराने वाला हूँ, तो सभी लोग जुड़ सकते हैं हमारे साथ। और मुझे एक बार कन्फर्मेशन जरूर दे दीजिएगा ना, ठीक है, कि ऑडियो वीडियो सारी चीज़ें क्लियर हैं आप सभी तक। मुझे एक बार ये बता देना आप, ठीक है। चलिए, ओके, क्लियर तो दिख रहा है मुझे बेटा। चलो तनु, गुड मॉर्निंग। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बिल्कुल, देखिए एफकेट 2020, जो 2023 का आपका पेपर होने वाला है, ठीक है, जो फरवरी के लास्ट में पेपर पड़ा है आपका, तो उसके लिए तैयारी कराई जा रही है। सुशांत सर टेस्ट बुक के टेलीग्राम चैनल है, यहाँ आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। ये डेली PDF क्विजेज, ये सारी चीज़ें आप वहाँ से ले सकते हो। पहला क्वेश्चन पूछा जाता है, भारत में जो सलार जंग संग्रहालय है वो कहाँ पे स्थित है? जयपुर, पटना, लखनऊ या हैदराबाद? बताइए भाई, कहाँ पे स्थित है? चलिए, चलो भाई, चलिए ओके भाई, जल्दी से जितना जल्दी जवाब दोगे उतना जल्दी अगले क्वेश्चन पे चला जाएगा, ठीक है। आइए, अगर हम बात करें सलार जंग संग्रहालय की, तो सर ये हैदराबाद में है, ठीक है। सलार जंग संग्रहालय आपके हैदराबाद में है, ठीक है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए, यहाँ तो पटना दिया है, अगर आपको पटना मतलब बिहार का अगर पूछा जाए, सासाराम, सासाराम बड़ा इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, तो आपको पता है शेरशाह सूरी का मकबरा, ठीक है। चलिए बिल्कुल वकरम, गुड मॉर्निंग। चलो अच्छा, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन, जैसे जयपुर हवा महल कहाँ है भैया? जयपुर में है, ठीक है। लखनऊ में आपको पता है इमाम बाड़ा और कई चीज़ें आपको लखनऊ में भी मिलती हैं, ठीक है। आइए, जैसे जैसे क्वेश्चन आता जाएगा एक दो एक्सप्लेनेशन देते जाएंगे। दिल्ली को भारत की राजधानी कब बनाया गया था? 1911, 1912, 1910, 1909? बताइए दिल्ली को भारत की राजधानी कब बनाई गई थी। चलिए अंकिता शर्मा, गुड मॉर्निंग। बिल्कुल, तो ये याद रखिएगा सर, दिल्ली को भारत की राजधानी सर आपको पता होगा बहुत अच्छे से, 1911 में बनाई गई थी भाई, ठीक है, 1911 में बनाई गई थी, यहाँ याद रखिएगा। और आपको पता है इस समय कौन था? इस समय आपके सर लॉर्ड हार्डिंग थे, ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग थे। और इसी समय की बात है, और अगर इसी समय की बात बोले तो जन गण मन, ठीक है, इसी समय आपका गाया भी गया था। अगर हम ये भी बोला जाए कि जनगण मन कितने समय में, सर 52 सेकेंड में होना चाहिए, ये क्वेश्चन पूछा गया है, और शॉर्ट वर्जन इसका मात्र 20 सेकेंड में होना चाहिए, ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने ये गाया था ये, ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने, ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने ये आपका गाया हुआ है, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? चलिए, साधना रंजन, अजय, ठीक है, बिल्कुल सभी का स्वागत है बेटा, आइए। दांतों और हड्डियों में पाया जाने वाला तत्व तो कौन सा होता है? आपके दांत और हड्डियों की बात हम पूछ रहे हैं, पोटेशियम, कैल्शियम, कैल्शियम मैग्नीशियम, कैल्शियम फास्फोरस या फास्फोरस एंड सल्फर? बताइए इनमें से क्या पाया जाता है? चलो बताओ, बिल्कुल सभी को नमस्कार। सी आ रहा है, ओके, वक्रम, अजय, चलिए बिल्कुल ये ध्यान दीजिएगा। देखो होता क्या है ऐसे क्वेश्चंस में, देखो दो चीज होती है, पहला होता है आपका कैल्शियम और दूसरा होता है आपका फास्फोरस, ठीक है। कैल्शियम आपका रिजिडिटी देता है, रिजिडिटी मतलब क्या होता है? रिजिडिटी मतलब होता है बेटा मजबूती, ठीक है, ये आपका मजबूती प्रदान करता है, ठीक है। लेकिन अगर हम वहीं देखें फास्फोरस के बारे में, फास्फोरस क्या करता है? आपके फॉर्मेशन में सहायक होता है, ठीक है, फॉर्मेशन मतलब आपके बनाने में सहायक होता है, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं दोनों का अलग अलग रोल है, ठीक है। लेकिन एक आपका शब्द आता है फ्लोरीन, ठीक है, जिसे कहते हैं फ्लोराइड, बेसिकली कह देते हैं आप।
फ्लोराइड क्या होता है, जब आपका दांतों का जो क्षरण होने लगता है ना, वो फ्लोरियासिस कहते हैं, फ्लोराइड की अधिकता के कारण होने लगता है। ठीक है, चलिए, गुड मॉर्निंग सभी को। चलो भाई, बड़ा मेहनत करके आप लोग आ रहे हो, आइए। चलिए, अच्छा यहाँ पे पॉइंट दिया सल्फर, सल्फर के बारे में थोड़ा सा आप जान लीजिए, सल्फर बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपने देखा होगा, लाइकेन का नाम सुना होगा। ठीक है, लाइकेन जो कि आपके एल्गी, जो आपके एल्गी और फंगस से मिलके बना होता है। ठीक है, एल्गी और फंगस से मिलके बना होता है, और ये आपका सूचक होता है, क्या, सल्फर का सूचक होता है। सल्फर ज़्यादा है तो यहाँ लाइकेन खत्म हो जाते हैं, मतलब सब मिला के एयर पॉल्यूशन का सूचक इसको माना जाता है। अच्छा, सल्फर कंपाउंड आप बात करेंगे, जो प्याज होता है, प्याज को काटते हो तो आपके आंखों में जो आंसू आते हैं वो सल्फेनिक एसिड की वजह से आते हैं, तो सल्फर कंपाउंड हो गया। रबर है, रबर को जो आप हार्ड करते हो, जो मजबूत बनाते हो, वो वल्कनाइजेशन कहते हैं, उसमें भी आप सल्फर ही मिलाते हो। ठीक है, चल भाई, आप जवाब नहीं दोगे क्या, मतलब मुझे बताओ, जवाब अगर नहीं देना है आपको तो फिर मैं क्लास को ऑफ कर दूँ। भारत का संविधान कब अपनाया गया था, क्योंकि तो बेटा आपके जवाब मेरे पास नहीं आ रहे, और आप टाइम पास कर रहे हो अगर क्लास में तो वो भी बता दो बेटा, क्योंकि आप यही सोच रहे हो क्या कि सर अब जवाब देंगे। थोड़ा सा जवाब देने का प्रयास किया करिए, ठीक है, क्लास में रहने से कुछ नहीं होता, जवाब दोगे आप तो आपको ही सीखने को मिलेगा बेटा। ठीक है, आइए, बिल्कुल, भारत का संविधान कब अपनाया गया था, भारत का संविधान पूछा गया है कब अपनाया गया था, ये बताना है आपको। किसी का सी आ रहा है, किसी का डी भी आ रहा है, ओके भाई, पूछा गया कब अपनाया गया था ना। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो 26 नवंबर 1949 को, ये याद रखिएगा। ठीक है, एनफोर्स करना एक अलग होता है। ठीक है, तो 26 नवंबर 1949 को, और आपको पता है इस दिन आपको क्या लागू कर दिया गया था, ये थोड़ा सा याद रखिएगा। और इसी दिन को एक चीज संबंधित आपको याद होगा, इसी दिन बन चुका था। ठीक है, इसी दिन क्या हुआ था, संविधान बन चुका था। शुरुआत अगर हम बोले तो आपको पता है 1946 का बात आपको याद होगा। ठीक है, 9 दिसंबर, ठीक है, 9 दिसंबर 1946, जो कि सच्चिदानंद सिन्हा जी बने थे, 11 को परमानेंट राजेंद्र प्रसाद जी बना दिए गए थे, 2 साल 11 महीने 18 दिन ये संविधान सभा के गठन का इतना समय आपके लग गया था। ठीक है, कोई दिक्कत, बिल्कुल, तनु राठी, गुड मॉर्निंग। चलिए सर, आवाज़ नहीं आ रही है आपकी, अच्छा भाई, तो आयुष एक काम करिए, आप आराम करिए बेटा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपके मोबाइल में कोई इशू आ गया है। ठीक है, आप आराम कर लो, क्योंकि मुझे लगता है कि आपकी कहानी मोबाइल की आपकी ख़त्म चल रही है। भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था भाई, पहला राष्ट्रीय उद्यान। चलो भाई, बाकी को तो आवाज आ रही है ना मेरी भाई, और भी किसी को कोई दिक्कत बताइए, ईश्वर, ओके, बाकी को बताओ भाई, आवाज तो क्लियर है, चलिए बताइएगा। चलिए, बिल्कुल याद रखिएगा, ये कौन सा है सर, ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। अच्छा, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क सभी को पता है, इसको आई थिंक आपका पहले, इसको हेले नेशनल पार्क कहते थे क्या भाई, ठीक है, आई थिंक हेले नेशनल पार्क इसको बोला जाता था क्या, ठीक है, मुझे ऐसा याद आ रहा है कुछ। ठीक है, और ये आपके 1936 में बना था, ये आप याद रख लीजिएगा। ठीक है, हेले नेशनल पार्क। अच्छा, कान्हा कहाँ है बेटा, कान्हा याद रख लेना सर, ये एमपी में पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है ये कान्हा। ठीक है, बांदीपुर सर, ये कर्नाटक, ठीक है, बांदीपुर आपका ये कर्नाटका में है। पेरियार, सभी को पता है पेरियार नदी कहाँ है, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, गुड मॉर्निंग सर, वन सोना बेटा, ही वन का था बेटा, आइए चलिए, क्लियर है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हेले नेशनल पार्क, बिल्कुल 1936, बहुत अच्छे, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रिस्टोफर रीड किस खेल से संबंधित है भाई, बोटिंग, रेसिंग, स्विमिंग या बॉक्सिंग, क्रिस्टोफर रीड किस खेल से संबंधित है,
बताइए। सेशन अगर ठीक लग रहा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। ठीक पहले सभी लोग जवाब दीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देखिए भाई हमारे लाल लालियों कितना सही जवाब देते हैं। सभी का ए आना शुरू हो गया है। ठीक है, क्रिस्टोफर रिड। ओके ज्योति, गुड मॉर्निंग। आइए, बिल्कुल क्रिस्टोफर रिड आपके स्विमिंग से संबंधित है। तो हमारे जो कलाकार बच्चे थे, कुछ लोग तो क्लास में आए हैं, वो ये देखना चाह रहे होंगे कि सर कितने देर पे दाहिने मूव कर रहे हैं, कितने देर पे बाएं मूव कर रहे हैं, सर पीछे घूम कब रहे हैं, कब ये आप मार्क कर रहे हैं। ठीक है, वो हैं भाई हमारे कलाकार भाई बहुत हैं। ठीक है, आइए, ये स्विमिंग से संबंधित है भैया, क्रिस्टोफर रिड। ठीक है, तो क्यों उन्होंने दिया, किसी ने सोना ने दिया है, वक्रम ने दिया है। चलिए आइए, तो ये कलाकार हैं भाई, हमारी क्लास में बराबर रहते हैं। चलिए, संक्षिप्त नाम AEW&C का अर्थ क्या है? एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम, एयरक्राफ्ट अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम, एरो इंजन वार्निंग एंड कंट्रोलिंग सिस्टम, एरो इंजन वार्न एंड कंट्रोल सिस्टम। बताइए। भाई पहले इसका सभी जवाब दोगे तो आगे बढ़ेंगे, नहीं तो आप जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। पहले इसका जवाब दीजिए आप। मैं देख रहा हूं कि इसके बच्चे जवाब नहीं दे रहे हैं, और जब तक जवाब नहीं दोगे बेटा, जानते हो आगे हम बढ़ने वाले हैं नहीं। तो कृपया सभी लोग जवाब दे दे या फिर आप चले जाए, दोनों में से एक ऑप्शन आपके पास है। ठीक है, भले गलत हो या सही हो, कृपया जवाब देना सीखें। ठीक है, तो पेपर में बेटा गलत नहीं होगा, नहीं तो अगर अपने दिमाग में सारी चीजें सीख लोगे ना, तो 100% तुम्हारा गलत होगा। चलिए ओके, यहाँ पे आ गया है भाई जवाब, अजय, ईश्वर, वक्रम, मुस्कान, तनु, लकी, ज्योति, मुस्कान। मुस्कान दो बार दे दी है, और बाकी लोग भाई जा सकते हैं, बाकी लोग देखो जा सकते हैं। ठीक है, मुझे बताया ऐसे बच्चों की जरूरत बिल्कुल नहीं है जो क्लास में तो रहते हैं लेकिन दिमाग कहीं और रहता है। ठीक है, ऐसे बच्चे नहीं चाहिए, मत आओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आइए सर, एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, चलिए, बुली किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट, फुटबॉल, गोल्फ और हॉकी। बताइए, बुली किस खेल से संबंधित है, ये बताइएगा आपका। ठीक है, क्रिकेट, फुटबॉल, गोल्फ या हॉकी। वेट, चलिए अभी आई थिंक सही होगा, अभी किसी को नेटवर्क इश्यू तो नहीं आ रहा है, किसी को नेटवर्क इशू तो नहीं आ रहा है ना, सही है ना। चलिए, बीच में साथ बफरिंग हो रही थी आप लोग की। चलिए, बिल्कुल सर, ये आपके हॉकी से संबंधित है, बुली शब्द आपके हॉकी से संबंधित है, बिल्कुल सभी का सही आ रहा है। चक्कर शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? अब आप ये सोच लो, ये आपके एफ कैट 2020 का क्वेश्चन है, आपने देखा अभी खेल से आपको 3 क्वेश्चंस मिल गए, इट मीन्स स्पोर्ट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा एफ कैट के लिए। ठीक है, चलिए, तो बिल्कुल एकदम याद रखिएगा, ये स्पोर्ट्स आपको तैयार करने हैं, अपने स्तर से भी तैयार करते रहिए, बाकी तो हम कराते ही। ठीक है, तो चक्कर शब्द आपके पोलो से संबंधित है, सिर्फ ईश्वर का जवाब आ रहा है, बाकी लोग अभी सोच रहे हैं कि सर दे दें, उसके बाद हम दें, नहीं तो सर हमारा नाम लेके बेइज्जती कर देंगे। ठीक है, चलो सही जा रहा हो बेटा, बहुत अच्छे। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, किस स्वतंत्रता सेनानी का नारा है? सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, जवाहरलाल नेहरू या बाल गंगाधर तिलक। चलिए, बिल्कुल ईश्वर का जवाब आ रहा है, रेनू, अजय, ज्योति। तनु बेटा अभी तुम पोलो पे ही टिकी हुई हो, बेटा आगे आ जाओ। ठीक है, आगे आ जाओ। ठीक है, लकी, तनु रावत, वेरी गुड। आइए सर, ये सुभाष चंद्र बोस जी का ये नारा,
ठीक है। और सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में बहुत अच्छा तथ्य। अच्छा, इनका जन्म तो सभी को पता है, पूछा गया क्वेश्चन है, इनका जन्म कहाँ हुआ था भैया? ठीक है, आपके कटक में हुआ था। कटक में क्या है? सर, चावल अनुसंधान केंद्र है भाई, कटक में आपके चावल अनुसंधान केंद्र है। तो सबसे पहला तो क्वेश्चन यही पूछा जाता है। अब ये पूछा जाता है कि सर, अगर इनकी बात बोले, ये INC के अध्यक्ष कब? सर, 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में तो चुने गए, ठीक है, त्रिपुरी अधिवेशन में तो चुने गए, लेकिन इन्होंने क्या किया? रिजाइन दे दिया, ठीक है, क्योंकि गांधी जी को भाई बुरा लग रहा था, क्योंकि उनके जो नॉमिनी पट्टाभि सीतारमैया थे वो हार गए थे, ठीक है, तो इन्होंने रिजाइन दिया। और उस टाइम आपके जो प्रेसिडेंट बन गए थे, इनको रिजाइन देने के बाद वो बन गए थे आपके राजेंद्र प्रसाद जी, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद जी बन गए थे, ठीक है। फिर इन्होंने 1939 के बाद ही जाके फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना भी कर दी, ठीक है बेटा, ये फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। फिर 1943 में ये सिंगापुर जाते हैं, और वहाँ पे इनको कैप्टन मोहन सिंह, जो कि आपके स्थापना किए थे इंडियन नेशनल आर्मी की, ठीक है, और साथ ही साथ जो रास बिहारी बोस थे वहाँ प्रेसिडेंट थे, दोनों ने अपना कार्यभार भैया इन्हीं को दे दिया, सुभाष चंद्र बोस जी को 1943 में जाके दे दिया, ठीक है। बेटा तनु बेटा, तुम पिछले क्वेश्चन का दे रही हो, ठीक है, आइए चलिए। हाँ, कट्टन बेटा ही क्या है, बफरिंग बेटा अब नहीं हो रही है, मैंने सही कर दिया है, बफरिंग नहीं हो रही बाबू, ठीक है, बफरिंग हो रही थी, ठीक है, आइए। अच्छा, भगत सिंह से बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, भगत सिंह से भैया, नौजवान सभा, ठीक है, नौजवान सभा की स्थापना, ठीक है, नौजवान सभा की स्थापना इन्होंने की थी कहाँ पे? सर, लाहौर में इन्होंने किया था। इनकी एक पुस्तक बड़ी बहुत नाम पूछा जाता है, ठीक है, वाई आई एम एथिस्ट, ठीक है बेटा, वाई आई एम एथिस्ट, ये इन्हीं की देन है, मतलब इन्हीं की पुस्तक है, ये पूछा जाता है। जवाहरलाल नेहरू आपको पता है, रावी नदी के किनारे 1929 का सेशन, ठीक है, जिसमें झंडा फहराने वाली सारी बातें हुई थी, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक, लाल बाल पाल, बहुत फेमस नाम, ये आप सुनते रहते हैं बराबर। किसे पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है? महात्मा गांधी, भगत सिंह, जवाहरलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, बताइए। कटक की कटन नहीं, अच्छा भाई, बफरिंग तो नहीं है, बफरिंग नहीं है बेटा, क्लियर है, चलिए चलिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि क्लासेस आपकी बंद करनी पड़ेंगी मुझे एक, क्योंकि आप एक्टिव रहेंगे तो ही भाई। चलिए, लाला लाजपत राय, बहुत अच्छे, देखो भैया आपको पता है लाला लाजपत राय तो आप बहुत अच्छे से जानते हो, ठीक है, इनकी ही साइमन कमीशन के विरोध में आपकी लाठियों से भैया इनकी हत्या हो गई थी, लाठी लगने से, ठीक है, तो लाला लाजपत राय का बड़ा ये फेमस आपको नाम पता है, इनको पंजाब केसरी कहा जाता था। अगर कुछ चीज़ें लाला लाजपत राय से संबंधित अगर आपको बताना चाहें तो बड़ी अच्छी चीज़ें। अच्छा, साइमन, ये साइमन कमीशन आपको याद होगा, साइमन कमीशन के, साइमन कमीशन देखो 1928 में आया, ठीक है, उसके पहले एक आपकी मीटिंग हुई थी जिसमें ये बताया गया था साइमन कमीशन को बायकॉट करना है, और वो मीटिंग याद रख लेना 1927 में मद्रास में होती है, जिसकी अध्यक्षता MA अंसारी करते हैं। ये क्वेश्चन एक बार PCS में आया था, और अच्छे अच्छे लोग घूमते फिर रहे थे भैया कि इसका जवाब क्या होगा, कब ये बातें की गई थी, ठीक है, याद रखिएगा, MA अंसारी, इसमें आपको बताया गया था कि जो साइमन आ रहा है उसको, साइमन कमीशन, उसको तो वापस हमको करना है, ठीक है। चलिए, तुमने कौन, क्या हो गया बेटा, आइए चल आइए आगे बढ़ते हैं। जवाहर, महात्मा गांधी जी के बारे में भाई जानते हो, एक दिन ये गांधीयन एरा लाएंगे तो उसमें समझ में आएगा। निम्नलिखित में से किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? भारत का नेपोलियन कहा जाता है किसे? आइए, चलिए बताइए। बिल्कुल याद रखिएगा सर, समुद्रगुप्त को कहा जाता है, ठीक है, ये समुद्रगुप्त को कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अच्छा, स्कंद गुप्त का एक आपने अभिलेख सुना होगा, बड़ा इंपॉर्टेंट अभिलेख इसका आता है, स्कंद गुप्त का, ठीक है, भीतरी अभिलेख, भीतरी अभिलेख इसका आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा, पूछा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा किला अकबर द्वारा नहीं बनाया गया था? लाहौर, इलाहाबाद, ग्वालियर या आगरा? अच्छा ठीक है भाई, बताइए, अकबर द्वारा नहीं बनवाया गया था। अच्छा बेटा, चलिए, चलिए बिल्कुल याद रखिएगा सर, ग्वालियर का किला आपके अकबर द्वारा नहीं बनवाया गया था। आइए, कोई बता सकता है किसके द्वारा बनवाया गया था? आईपीएल 2020 का आयोजन स्थल कौन सा था? आईपीएल 2020, ये आपके पूछा गया क्वेश्चन है आपके एफ कैट 2020 में, बताओ बच्चा, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड अरब एमिरात्स, भारत या ग्रेट ब्रिटेन? बहुत अच्छे, बिल्कुल 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 बिल्कुल, आइए, बिल्कुल सर, ये आपका यूनाइटेड अरब अमीरात, जिसे कहते हैं संयुक्त राज्य अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात कहते हैं। आइए नेक्स्ट, वियना डैश की राष्ट्रीय राजधानी और सबसे बड़ा शहर है? ऑस्ट्रिया, रूस, स्पेन, सीरिया, बताइए, वियना इज द नेशनल कैपिटल एंड लार्जेस्ट सिटी ऑफ, बताइए। अबू धाबी का नाम बेटा सुना है कभी कोई? चलिए, सूरज सेन बिल्ट ग्वालियर फोर्ट, क्या बात है वक्रम, वेरी गुड, चलिए बिल्कुल याद रखिएगा सर, अगर हम बात करें वियना ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, क्या ऑस्ट्रेलिया में कोई पेट्रोलियम से संबंधित कोई संस्थान है क्या? थोड़ा सा मुझे बताएंगे भाई, क्या ऑस्ट्रिया में, वियना ऑस्ट्रिया में तो कोई पेट्रोलियम से संबंधित संस्थान है क्या, मुझे थोड़ा बताएगा वियना में? चलिए, अगर कुछ होगा तो मुझे भाई बता देना, देखो मुझे तो पता है नहीं कुछ, ठीक है, तो आप ही लोग बता दिया करो। प्रसिद्ध अरबी पुस्तक किताबुल हिंद के लेखक कौन है? बीरबल, अलबरूनी, महमूद या मोहम्मद, बताइए, प्रसिद्ध पुस्तक किताबुल हिंद, अच्छा ठीक है, बताइए भाई, किसी ने बताया नहीं भाई अभी तक मुझे। अच्छा, सभी जवाब देने में लगे हैं क्या? ओके, ओपेक का मुख्यालय, बहुत अच्छे, हाँ बिल्कुल, चलिए चलिए, चीजें आपकी भी रिवाइज ही होती जाएंगी। किताबुल हिंद अल बरूनी, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, निम्नलिखित गैसों में से आवर्त सारणी में सबसे हल्की गैस कौन सी है? अमंग द फॉलोइंग गैसेज विच इज द लाइटेस्ट गैस इन द पीरियोडिक टेबल, बताइए, आवर्त सारणी में सबसे हल्की गैस कौन सी है? ऑक्सीजन, मिथेन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, बताइए। बता भाई, आवर्त सारणी में सबसे हल्की गैस कौन सी है भाई? ऑक्सीजन, मीथेन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। चलिए भाई, सिंपल क्वेश्चन है, तो सबसे हल्की गैस तो सर ये हाइड्रोजन ही होती है, इसके बारे में कुछ बातें ही जान ले, ठीक है, इसको सर क्या कहते हैं, इसको कहते हैं आवारा तत्व, तो कहते हैं भाई, ठीक हो, आवारा तत्व तो कहते हैं। इसके बारे में एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, इसका जो स्थान है ना वो किसने दिया था? वो मोजले ने दिया था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के तहत, उसके पहले इसका स्थान नहीं दिया गया था। ये एक ऐसा है बेटा जो आपको पता है, ये आपको पहला ग्रुप है, ठीक है, पहला ग्रुप इसमें यहाँ डाल दिया गया है, मतलब आपके इसको अगर बात करें तो ये किस में डाला गया है, ये एक नॉन मेटल, और आपको बहुत अच्छे से पता है नॉन मेटल्स इधर पाए जाते हैं, जितने हैं सब इधर पाए जाते हैं, ठीक है, इधर पूरे, लेकिन फिर भी ये यहाँ है, मतलब मेटल्स के बीच में एक इसको डाल दिया गया है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। चल बेटा, रेणु हवा, हवा होना चाहिए, शाम नहीं होता है बेटा, आइए। अच्छा, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भैया आपको पता है यहाँ पे बेसिकली इसे क्वेश्चन आपके ओजोन का पूछ दिया जाता है, O3 का पूछ दिया जाता है, ठीक है, कि भैया आपके जो ओजोन है, या ऐसे दे देगा कि इनमें से किसमें आपके ओजोन, मतलब ऑक्सीजन के तीन एटम्स पाए जाते हैं, तो आपको भैया ओजोन में पाया जाता है,
मीथेन आपको पता है क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस गैस है मीथेन, और आपके कई जगह से निकलती है, धान के खेत से, दीमक के बॉम्बी से, ठीक है, आपके खान से, जो जो खान होते हैं, माइनिंग जो होती है वहाँ, कोयले की खान होती है वहाँ से निकलते हैं, आपके गाय की जुगाली करने से, जो पगुरी कहते हैं जिसे, वहाँ से आपको निकलती है ये, ठीक है। नाइट्रोजन भैया आपको पता है, नाइट्रोजन ठंडे के लिए बेसिकली, जैसे टायर में देखिए आपको नाइट्रोजन डाल दिया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चिप्स के पैकेट में देखिए नाइट्रोजन डाला जाता है कि खराब ना हो। क्या हुआ, नॉन मेंटल है ना, ना क्या बेटा सोना, तुम क्या लिखती हो बेटा, हम समझ सच में नहीं पाते हैं, ठीक है। आइए क्या हुआ, चलिए, यूएनओ के पहले एशियाई महासचिव कौन थे, यूएनओ के पहले एशियाई महासचिव कौन थे भाई, बताइए। आपके मेडलिन अल्ब्राइट, फतिमा ध्यान सईद, या यूथान, ठीक है, एंटोनियो गुटरेस, कौन थे भाई। बिल्कुल हाँ, पहले एशियाई पूछा गया बेटा। आइए, बिल्कुल सर, ये यू थांट थे, ठीक है सर, ये यू थांट थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है, ठीक है। आइए, संयुक्त राष्ट्र संघ की आपको सभी को पता है, 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। पांच देश इसके परमानेंट भैया, ABCFR, अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, फ्रांस, रसिया, ठीक है, ABCFR याद रख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ इसका मुख्यालय कहाँ पे है, सभी का आ रहा है न्यूयॉर्क, ओके। देखते हैं भाई, देखते हैं हमारे कलाकारों का क्या है, बिल्कुल, अरे बिल्कुल सही बताया तुम लोग, न्यूयॉर्क, ठीक है। आइए, कर्क रेखा इनमें से किस महाद्वीप से होकर नहीं गुजरती है, ठीक है, कर्क रेखा इनमें से कहाँ से होकर नहीं गुजरती, नॉर्थ, साउथ, अफ्रीका, एशिया, बता। देखते हैं हमारे लाले कौन से सही जवाब देते हैं। बताइए, चलिए, बिल्कुल, अगर हम बात करें महाद्वीप से होकर नहीं गुजरती है, तो जाहिर सी बात है साउथ अमेरिका आपका हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, साउथ अमेरिका में एक आपको बड़ा अच्छा नाम सुने होंगे, ठीक है, यहाँ पे एंडीज पर्वत है, यहाँ पे एंडीज माउंटेन है, ये बड़ा फंसाता है, एक एंडीज और ये रॉकी, ये दो में से काफ़ी फंसा देता है पेपर में बेटा, जब पूछ दिया जाता है तो ऑप्शन में, ठीक है। अफ्रीका, अफ्रीका से तो बेटा तीनों की तीनों जाती हैं, मतलब ये तो सभी जानते होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं, अच्छा ठीक है, यहाँ जब बात अगर छेड़ी दिया गया है तो कुछ और आइए समझ लिया जाए। कर्क रेखा की बात पूछी गई है, कर्क रेखा को दो बार कौन सी भैया नदी काटती है, दो बार कौन सी नदी काटती है, बताइए, कोई बता सकता है, कर्क रेखा को कौन सी नदी दो बार काटती है। चलिए बिल्कुल, अगर हम बात करें तो बिल्कुल बेटा वो भारत की आपकी कौन सी है, सर माही है, लेकिन अगर आपसे कभी पूछ दे कि सर मकर रेखा को, तो याद रखना ये है आपका लिम्पोपो, ठीक है, लिम्पोपो, लेकिन अगर आपसे पूछ दे विषुवत को, मतलब इक्वेटर को, इसका बहुत ही सिंपल सा जवाब है कांगो, इसका है कांगो और आपका जायरे, ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको याद रखने चाहिए, ठीक है। गोंडवाना पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड या मध्य प्रदेश, गोंडवाना पहाड़ियां, चलिए बताइए। गोंडवाना पहाड़ियों की बात पूछी जा रही, तो थोड़ा सा जो समझदार होगा वो ऑप्शन देख के तो समझ जाएगा कि सर देखो मुझे तो यहाँ पे दो ऑप्शन तो बिल्कुल ही नहीं लग रहे हैं, ठीक है। ये लो भाई, एक लोग बताई हैं ऑप्शन नंबर सी, और रेनू बता रही हैं ऑप्शन नंबर सी, ओके।
वक्रम बता रहे हैं सी, ज्योति, अजय, ठीक है, आइए। बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छे, जिन्होंने बताया कितने समझदार बच्चे हैं बेटा। गोंडवाना तुम पहुंचा दे रहे हो भाई उत्तराखंड में और उत्तर प्रदेश में, कैसे मतलब क्या करते हो भैया? गोंडवाना वहां कैसे चला जाएगा? आइए बेटा, ये आपका मध्य प्रदेश वाला रीजन है, मतलब कुछ भी ना, मतलब कुछ भी होना चाहिए, बस होना चाहिए सर। आइए, दास कैपिटल किसने लिखी है भाई? सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, बताइए बताइए। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल, ये क्या है आपका? ये बिल्कुल आपका कार्ल मार्क्स, ठीक है, याद रखिएगा, ये कार्ल मार्क्स थे। आगे बढ़े क्या? किसे जर्मन एकता का जनक कहा जाता है? ठीक है, मिखाइल गोरबाचेव, हेलमुट कोल, ऑटो वोन बिस्मार्क या ऑस्कर सिंडरल, बताइए। देखिए भाई, और लाले लालियों, चलिए आइए। बिल्कुल याद रखिएगा सर, ये आपको हेलमेट कोल थे, ठीक है, हेलमुट कोल थे ये। निम्नलिखित में से कौन विश्व T20 में 6 छक्के लगाने वाला पहला बल्लेबाज है? विराट कोहली, युवराज सिंह, शिखर धवन या रविंद्र जडेजा, बताइए। बेटा इस पर हम अंग्रेजी समझ नहीं पाए बेटा, क्या कहना चाह रहे हो, कहना क्या चाह रहे हो बताइए भाई। आइए, बिल्कुल याद रखिएगा सर, ये युवराज सिंह थे, ठीक है, आइए। अच्छा, दरबारे अकबरी डैश द्वारा लिखी गई थी अमीर खुसरो, हुसैन आजाद, जियाउद्दीन बरनी या अब्दुल कादिर बदायूनी, बताइए। बताइए बेटा, बिल्कुल याद रखिएगा सर, दरबारे अकबरी सर हुसैन आजाद द्वारा लिखी गई है, ठीक है, बदायूनी हर जगह ना मार दिया करो, ठीक है, हुसैन आजाद द्वारा ये आपका लिखा गया है, ये याद रखिएगा, दरबारे अकबरी हुसैन आजाद द्वारा लिखा गया है। चलिए, अरे बेटा मुझे समझाया नहीं यार, क्या कहना चाह रहे थे। आइए, पहले राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन 1930 में किया गया था, कनाडा, यूएसए, ग्रीस या फ्रांस? राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन 1930 में कहाँ पे किया गया था, ये पूछा गया है। चलो ओके, सी आ रहा है भाई सभी का, ओके ठीक है। जो हमारे ग्रीस दे रहे हैं, ठीक है, उनके लिए 2 मिनट का थोड़ा सा मौन रखिएगा, जो ग्रीस दिए हैं बेटा। क्वेश्चन तुम लोग मतलब कॉन्सेप्ट नहीं समझते हो क्या? बस मतलब रटे और चल दिए बेटा, ऐसे जान तो एग्जाम नहीं निकलने वाला, तुम कितनी भी मेहनत कर लो। यहाँ पे मैंने कॉमनवेल्थ गेम्स पूछा आपसे, मैंने ओलंपिक की कहीं बात की थी क्या? मैंने ओलंपिक की कहीं बात की थी क्या? तो गजब इंसान हो यार आप लोग, ठीक है, मतलब कुछ भी देना है भले ही गलत, मतलब क्वेश्चन को पढ़ना भी नहीं है और फट से जवाब दे देना है। मैंने कॉमनवेल्थ गेम्स पूछा अभी, ये जस्ट 2 दिन पहले मैंने पूरे क्वेश्चंस कराए थे, जब स्पोर्ट्स वाला टॉपिक कराया था, पूरा समझाया था, पूरा एक ही चीज समझाया था। वक्रम ने सबसे पहले सही किया। पहले एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ किया गया था? न्यू दिल्ली, कलकत्ता, बॉम्बे, चेन्नई। अगर आप ऐसा सोचते हो कि बस क्वेश्चन को कर लेना है, ठीक है, मतलब जहां भी पढ़ते हो आप रट के आगे बढ़ जाना है, जब मैं क्लास में समझाता हूँ वो तब भी कोई मतलब नहीं होता, ठीक है,
तो मैंने कहा भाई चलो क्वेश्चंस ही करा देते हैं, अब जब तुम अपने से भी नहीं पढ़ते हो ना क्लास में क्वेश्चंस करते हो तो करोगे क्या फिर? ठीक है बेटा, अच्छा ओके, मतलब नाश्ता इंसान अगर बनाएगा, मतलब एक्सक्यूज बेटा ऐसा दिया करो ना जो थोड़ा सा मतलब लगे, ठीक है? ये बहानेबाजी अपने आप से पूछो ना कि क्या करते हो, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है? मतलब नाश्ता देते समय इंसान क्या सीधे बताएगा क्या कि भैया आपका ग्रीस है? अरे वो बताएगा ना, वो जैसे ग्रीस लिखेगा वैसे कनाडा लिख देगा। गजब इंसान हो यार। आइए सर, याद रखिएगा ये नई दिल्ली है, बिल्कुल फर्स्ट एवर एशियन गेम्स आपके न्यू दिल्ली में। बैंक शॉट शब्द किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल, तीरंदाजी, क्रिकेट या बास्केटबॉल? बैंक शॉट, बेसिकली ये बैक शॉट होगा। आइए चलो, फुटबॉल, आर्चरी, क्रिकेट और बास्केटबॉल। चलो बिल्कुल सर, ये आपके बास्केटबॉल से संबंधित है, ठीक है? ऑप्शन नंबर डी बास्केटबॉल। आइए, किस दिन मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन को, बताइए भाई। अच्छा क्वेश्चन है, चलिए। किस दिन मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन को, ठीक है, राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है भाई। ये क्या दिया हुआ है भाई, ये तो कुछ क्वेश्चन अलग ही लेवल का है, ठीक है? कुछ अलग ही लेवल का लग रहा है भैया ये। अब ये सही हो गया, अब बताइएगा। बिल्कुल, अब ये सही हो गया, बिल्कुल सर, ये 29 अगस्त को आपका बोला जाता है, ठीक है, मेजर ध्यानचंद जी के जन्मदिन के हिसाब से, और आपको पता है। ले भाई अब इनको बताओ क्या किया जाए, अब बताओ इनको क्या किया जाए, जो आप बताएं वही इनको इनको मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए? ये इसका बेटा सही जवाब है, ये गलत और ये गलत, ठीक है? इनको मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सुलूक किया जाए, ठीक है? 29 अगस्त याद रखिएगा बेटा। चलो, फ्रांस ने पूर्ण स्वतंत्रता के साथ भारत को डैश के प्रतिष्ठानों का क्षेत्र सौंप दिया, पांडिचेरी, कराईकल, माहे या उपरोक्त सभी, बताइए। चलो सोना बेटा, सिर्फ तुम्हारा ही नहीं होगा, मुझे लगता कम से कम 1 करोड़ लोगों का बर्थडे उसी मंथ होगा, ज्यादा ही होगा, मुझे लगता है कि कुछ नहीं तो कम से कम 30 करोड़ लोगों का बर्थडे आपके अगस्त में पड़ता होगा, ठीक है बेटा? तो बर्थडे के डेट से कुछ नहीं होता, दिन से, ठीक है? बस अपनी तैयारी करते रहो, नहीं तो पता चला ये दिन लेकर ही जो है कहानी खत्म हो जाती है, पता है कि नहीं? ठीक है, तो ध्यान उस पर दो क्या पढ़ना है, ठीक है? बर्थडे का दिन ना याद रखो, ठीक है? बाकी आंसर से याद रखिए, पांडिचेरी, कराईकल और माहे तीनों। अच्छा, अल्माता किसकी राजधानी थी? कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान या मंगोलिया, बताइए। चलिए ले अंकित, कम से कम 20 करोड़ लोगों का बर्थडे नवंबर में होगा। आइए चलिए, बिल्कुल याद रखिएगा, अल्माता सर ये कजाकिस्तान की राजधानी है। आइए नेक्स्ट। अच्छा, ब्यूफोर्ट स्केल का प्रयोग मापने के लिए किया जाता है? ब्यूफोर्ट स्केल का प्रयोग, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एल्टीट्यूड्स ऑफ माउंटेन्स, विंड वेलोसिटी, इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक्स, बताइए। ठीक है, आइए, बिल्कुल सर ये विंड वेलोसिटी है, ब्रू फोर्ट स्केल का प्रयोग मापने के लिए किया जाता है सर, विंड वेलोसिटी, पवन वेग। अच्छा हाँ, एक चीज और, एक चीज और, आपने एक चीज और देखा होगा, विंड वेलोसिटी के लिए एनीमोमीटर का भी प्रयोग किया जाता है, क्या आपने कभी सुना है? एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस जल डमरू मध्य से होकर गुजरती है, बताइए। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, बताइए। चलो हाँ, विंड के लिए होता है, बिल्कुल बेटा, बताइए भाई।
अंतर्राष्ट्रीय तिथि भैया जो रेखा है वो कहाँ से? अरे सर ये सिंपल सा है, बेरिंग स्ट्रेट, बेरिंग जल डमरू मध्य से होकर ये जाती है। ठीक है आइए। शब्द डबल फॉल्ट का प्रयोग किया जाता है वॉलीबॉल, टेनिस, स्नूकर या कबड्डी? डबल फॉल्ट का प्रयोग किया जाता है, बताइए। बताइए भाई, डबल फॉल्ट का प्रयोग किया जाता है, आपको बताना है। बिल्कुल सर, ये आपका टेनिस के में ये प्रयोग किया जाता है। लिएंडर पेस निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन, टेनिस, जिमनास्टिक या हॉकी? लिएंडर पेस की बात आपसे पूछी गई है, उम्मीद है अच्छा जवाब देंगे आप सभी। बिल्कुल सर, ये आपके टेनिस से, सर खेल से देख रहे हैं आप, खेल से आपके 5 क्वेश्चन हो चुके हैं। लॉर्ड माउंटबेटन का सेवानिवृत्ति वर्ष क्या है? 47, 50, 59 या 65? लॉर्ड माउंटबेटन का सेवानिवृत्त वर्ष क्या है? बताइए। तो बेटा अब सोना बेटा ये तो आप गूगल कर लो, आराम से मिल जाएगा। ठीक है आइए, हम क्या करेंगे ये जान के, मतलब बेटा ऐसा क्वेश्चन बताओ जो बाकी बच्चों को भी लगे कि कोई अलग क्वेश्चन पूछा गया था। अब त्रिपुरा का सीएम तुम पूछ रही हो, बोलोगी आसाम का सीएम कौन है। ठीक है तो बेटा ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आइए। अरे कुछ खतरनाक बताओ क्या पूछा गया था। बिल्कुल सर 1965। ठीक है आइए। 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के बाद भारत के नए डोमिनियन के पहले गवर्नर जनरल कौन बने? भैया भारत के नए डोमिनियन के पहले गवर्नर जनरल, भाई ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, सिराज गोपालाचारी, लॉर्ड माउंटबेटन, सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन पूछने का तरीका देख लो भाई। ठीक है आइए, बस बेटा इसीलिए ये क्लास बंद करने वाला हूँ, घबराओ मत, जल्द ही मुझे लगता है इस हफ्ते मैं क्लास ये कंप्लीट कर दूंगा, मतलब बंद कर दूंगा। ठीक है, ये आपको एफ कैट का पेपर करा दूँ, आज आपका है 20 हो गया, 19 का, 18 का, 17, 2017 तक का पेपर कराऊंगा, फिर बैच को यहाँ पे बंद कर दूंगा मैं। ठीक है आइए। बिल्कुल ये याद रखिएगा सर, लॉर्ड माउंट बेटन थे, आपसे पूछा गया नए डोमिनियन की बात है, पहले गवर्नर, अगर भारतीय पूछ देता तब आप सी राजगोपालाचारी को लगा देते। ठीक है आइए नेक्स्ट। मौर्य साम्राज्य में खातों के लिए कौन जिम्मेदार है? ठीक है अखड़ाध्यक्ष, ठीक सॉरी हाँ ठीक है, अखड़ाध्यक्ष, नवाध्यक्ष, गोप या वह हरिका? ठीक है यह वह हरिका खातों के लिए जिम्मेदार है, हाँ ठीक है चलिए बताइए। आइए सोना बेटा प्लीज, आप ना आप कुछ मतलब मत बताएं मुझे, वो ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, मैं ऐसे बच्चों की बात सुनता हूँ जो बच्चे रेगुलर होते हैं। ठीक है तो कृपया जो रेगुलर है मैं उन्हीं की बात सुनता हूँ, मैं बाकी की बात नहीं, इग्नोर कर देता। ठीक चलिए, बिल्कुल ये आपका गोप है। ठीक है आइए नेक्स्ट। कौन मोहम्मद गोरी का दास था? वह अपने स्वामी की मृत्यु के बाद शासक बना और उसने मुगल वंश की स्थापना की। कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, गियासुद्दीन बलबन, नासिरुद्दीन महमूद, बताइए। ठीक है, नहीं ये क्लास फिर मैं शिफ्ट करूंगा ना, अगर ये क्लास ऑफ करूंगा तो मैं रात में इसको 11 बजे लेके जाऊंगा। अब 11 बजे भाई जो जो जगने वाले होंगे वो तो आएंगे बिल्कुल, अब 11 बजे देखते हैं कौन जगते हैं। ठीक है, खतरनाक टाइम है। ठीक है आइए चलिए। बिल्कुल सर कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है भैया, गुलाम वंश का स्वामित्व के बाद शासकों ने गुलाम वंश की स्थापना की भैया इसको, हाँ इसको कई वंश कहते हैं, ये सुन लीजिएगा, ये पेपर पूछा गया था। ठीक है, गुलाम वंश, इलबरी वंश भी कहते हैं, ठीक है इलबरी वंश भी कहते हैं इसको। ठीक है, एक और वंश कहते हैं, बता सकते हो भैया? गुलाम वंश, इलबरी वंश, एक और वंश कहा जाता है, ये बता सकते हैं आप लोग? अरे कहाँ कर रहे भैया, अभी तो चल रही है ना, पहले चलने तो दो। ठीक है आइए, निम्नलिखित में से किस शहर को भारत का आंतरिक शहर कहा जाता है? ठीक है, मेरी प्लानिंग बेटा सच बताए ना तो आपकी दिन की तो नहीं ही रहती है, क्योंकि कुछ लोग कॉलेज जाते रहते हैं। ठीक है, मैं सोच रहा रात में 11 बजे, मेरी एक जो 9 बजे वाली क्लास चल रही है आपकी, ठीक है एक रात में 11 बजे, मतलब मैं ये आपके दो टाइमिंग,
ये तो मेरी चल रही है, मैं इसको रात में शिफ्ट करने का है। ठीक है, याद रखिएगा, भारत का अंतरिक्ष शहर कहा जाता है भाई, सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, तो सर ये कौन सा, ये बेंगलुरु है। ठीक है, इसरो का हेड ऑफिस भी आपकी यहीं पे, हेडक्वार्टर जिसे कह सकते हैं आप। ठीक है, आइए नेक्स्ट। सौर स्थिरांक का मान होता है भैया सोलर कांस्टेंट। भाई ये क्वेश्चन पूछा गया था आपके एफ कैट 2020 में, तो बताइए भाई, ये एकदम रटने वाला क्वेश्चन है, बताइए क्या होगा। आइए चलिए, बिल्कुल याद रखिएगा सर, सोलर अगर स्थिरांक कांस्टेंट की बात करेंगे 1357। ठीक है, याद रखना। अच्छा, विश्व की प्रमुख नदियों में से कौन सी उत्तर की ओर बहने वाली नदी है। अच्छा ठीक है, कौन सी उत्तर की ओर बहने वाली नदी है ना। ठीक है, उत्तर की ओर बहने वाली नदी है, अमेजन, गंगा, नील और मिसिसिपी, बताइए बताइए। अच्छा आपको पता है, अच्छा सबसे बड़ी नदी तो अमेजन है, मतलब मैं ये इसका आंसर नहीं बता रहा, सबसे बड़ी नदी अमेजन है ना, और आपको पता है अमेजन कैसे बनती है, एक एक बूंद से। ठीक है, धीरे धीरे एक एक बूंद एक एक बूंद एक एक बूंद आते आते अमेजन आज इतनी, अमेजन जिसे कहते हैं ना बड़ी नदी सबसे, ठीक है, वो एक एक बूंद से बेटा ये बनी है। ठीक है, अब आप खुद सोचिए कि कितना खतरनाक। ठीक है, आइए कि मतलब आप सोच लो कि अगर आप डेली अगर चीजें पढ़ते रहते हो, डेली चीजें पढ़ते रहते हो, तो आप खुद सोचिए कि एक दिन कितना हो सकता है ये। ठीक है, दया वाले क्वेश्चन सही होगा 1400। बेटा सोना, उसके साथ हम टिप्पणी नहीं कर सकते क्योंकि आपका क्वेश्चन एफ कैट 2020 का पूछा गया है और एकदम एग्जैक्ट चीजें आपको दी गई है। ठीक है बेटा, 1357 जो कि आयोग ने बताया, तो हम अपना दिमाग बेटा नहीं लगाएंगे। ठीक है, चल भाई मैं तैयारी आपको एफ कैट की यहाँ करा रहा हूँ, और जो आयोग ने आंसर दिया है मैं उससे हट के कुछ नहीं बता सकता आपको। ठीक है, बाकी आप अपने पेपर के हिसाब से तैयारी कर लें। पश्चिम बंगाल का रानीगंज डैश के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, लौह अयस्क, कोयले की खदानें, यूरेनियम और बॉक्साइट, बताओ भाई। यहाँ पे आयरन और कोल माइंस, यूरेनियम, बॉक्साइट है। रानीगंज की बात है, रानीगंज सभी को पता है कोयले के लिए बड़ा प्रसिद्ध माना। भैया सोना बता नहीं, आयरन के लिए, अच्छा भाई ठीक है, हो सकता है। सोना बेटा वहाँ आयरन कब से तुम देख ली। आइए चलिए, बिल्कुल सर हम तो कोल ही जानते थे, आपने आयरन देखा, बड़ा अच्छा लगा मुझे। ठीक है, कोल। अच्छा आपको पता है इसके कुछ एलोट्रॉप्स भी होते हैं, डायमंड हो गया। ठीक है, जो फुलरीन्स होते हैं, कोयले की खान से भैया आपका मीथेन निकलता है, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया हुआ है। अच्छा ठीक है, आयरन और भैया हीमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमेनाइट, सिटराइट, लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट है, इसका एक और है जिसका नाम है आपका आयरन पायराइट। ठीक है, आयरन पायराइट, जिसे हम कहते हैं Fe-S2। अब आपको पता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको कहते हैं मूर्खों का सोना, इसे कहते हैं मूर्खों का सोना कह देते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए, यूरेनियम आपको पता है रॉकेट, रॉक की एज पता करने के लिए ये होती है। ठीक है, ये बॉक्साइट सर, एल्यूमिनियम, ठीक है, ये सब इसी के क्या हो गया। चलिए, नीमीबिया देश किस महाद्वीप में स्थित है, नॉर्थ अमेरिका, एशिया, साउथ अमेरिका, अफ्रीका। ठीक है, नीमीबिया देश किस महाद्वीप में आपका पड़ता है, बताइए भैया, नॉर्थ अमेरिका, एशिया, साउथ अमेरिका और अफ्रीका। चलिए, उड़ीसा में पाया जाता है। चलिए, ओके बिल्कुल सर, ये आपके अफ्रीका में, सिंपल सा नाम से देख रहे हो भैया, बहुत नाम सुने भी होगे। आइए, कौन चंडीगढ़ के प्रसिद्ध रॉक गार्डन का निर्माता है भैया, नेक चंद, खुशवंत सिंह, एडवर्ड बेकर या चार्ल्स कार्बुजियर, बताओ भैया कौन है। बताइए भाई कौन चंडीगढ़ के प्रसिद्ध रॉक गार्डन का निर्माता है, नेक चंद, खुशवंत सिंह, एडवर्ड बेकर या चार्ल्स कार्बुजियर।
चलिए बताइए तो। चलो ओके ठीक है आइए। क्या हो गया भैया? आइए। बिल्कुल सर, ये नेक चंद थे। अच्छा, गुलिवर ट्रेवल्स किसने लिखी है भाई? हम लोग छोटे थे तो बड़ा ही पूछा जाता था। बताइए भाई, जेम्स फ्रेजर, जोनाथन स्विफ्ट, जॉन गंथन या नन ऑफ द अबव? सर, हम लोग गुलिवर ट्रेवल्स पढ़े भी है ना, छोटे भी हम लोग पढ़े ना सर गुलिवर ट्रेवल्स। आइए, मुझे ऐसा याद आ रहा है कि हम लोगों ने पढ़ा है बचपन में, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, बचपन की बात है, भूल गया भाई। आइए सर, ये आपके जोनाथन स्विफ्ट हैं, ये आगे बढ़ते। अच्छा, न्यूटन के नियम के अनुसार दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल किसके समानुपाती होता है? अच्छा ठीक है भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल सा एकदम क्वेश्चन है, न्यूटन के भैया गुरुत्वाकर्षण का बल पूछ रहा है आपसे, बताइए। बिल्कुल, बहुत अच्छे ईश्वर, वेरी गुड। चलिए आइए देखते हैं। एफ प्रोपोर्शनल टू M1 M2, एफ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/R2। तो मैं ये कह सकता हूं ना भाई, M1 M2 तो प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, सिंपल सा जवाब हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस किस ग्रंथ में वैदिक समाज को चार वर्गों में विभाजित करने का उल्लेख है? अच्छा, वैदिक समाज को, ठीक है, पुरुष सूक्त, यजुर्वेद, मुंडकोपनिषद या शतपथ ब्राह्मण, बताइए भाई किसमें? प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, बिल्कुल। आपके कमेंट्स मेरे पास थोड़ा सा 10 सेकेंड लेट आ रहा है, तब तक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जा रहा हूँ। आइए बताइएगा, किस ग्रंथ में वैदिक समाज को चार वर्गों में विभाजित करने का उल्लेख है? ओके, बिल्कुल सर, ये आपके पुरुष सूक्त में दिया गया, ऋग्वेद के। नेक्स्ट, भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित विमान वाहक कौन सा है? INS विक्रमादित्य, विक्रांत, विशाल या खंडेरी, बताइए। पहला स्वदेशी रूप से विकसित विमान वाहक कौन सा है? ठीक है, एयरक्राफ्ट कैरियर पूछा गया आपसे, ठीक है, एयरक्राफ्ट कैरियर आपसे पूछा गया है, ये आपको जवाब देना है, ठीक है। चलिए सभी का आ रहा है, बिल्कुल INS विक्रांत आ रहा है भैया, बिल्कुल आपका सटीक जवाब है। कौन सी मिसाइल कम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है? सतह से हवा में मार करने वाली है, लेकिन आपसे कम दूरी पूछ दिया गया है। अब ये आप बताएं, मैत्री मिसाइल, बराक, आकाश मिसाइल या हेलिना, बताओ भाई कौन सा है ये? ठीक है चलिए, बिल्कुल ये आप ध्यान रखिएगा, ये आपका मैत्री मिसाइल है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से किसकी तरंग दैर्ध्य सबसे कम है? ठीक है, दृश्यमान किरणे, गामा किरणे, इंफ्रारेड किरणे या एक्सरे? वेवलेंथ की बात आपसे पूछी गई है, और मैंने ये शायद कल एक ऐसा क्वेश्चन मैंने कराया था जिसे मैंने बताया था कि आपका क्या है ये, रामिन विजुअल, ठीक है, रामिन विजुअल एक्स गोमैको, रामिन विजुअल एक्स गोमैको, ठीक है, ये मैंने आपसे बताया था कल, ठीक है। तो मैंने बोला था अगर आपसे पूछा जाए कि तरंग दैर्ध्य सबसे कम, बिल्कुल अगर रेडियो की बोले तो सर ये ज़्यादा होती है, ठीक है, रेडियो की आपकी सर ज़्यादा होती है और गामा की ये कम होती है। और अगर फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे तो तुरंत थोड़ा सा उल्टा कर लेना, फ्रीक्वेंसी की बात जब भी आपसे बोली जाएगी तुरंत इसको उल्टा कर लीजिएगा, तो रेडियो की कम फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, गामा की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो जाएगी, आपको पता है, इसीलिए गामा का भेदन क्षमता बहुत तगड़ा होता है, पेनिट्रेटिंग पावर बहुत ज़्यादा होती है, तो इसका जवाब हो जाएगा गामा किरण, और इसकी भैया जो भेदन क्षमता बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, भेदन क्षमता बहुत ज्यादा होती है इसकी, ये थोड़ा सा याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट भैया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की नई जीवनी बोस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट शीर्षक किस लिखी थी? अनुजधर, विष्णुदेव, चंद्रचूड़ घोष या रमेश सिल, बताइए किसने लिखा था? बहुत अच्छा क्वेश्चन, ठीक है, जो ये रिवाइज किया होगा बिल्कुल सही किया होगा सर, चंद्रचूड़ घोष ने लिखा था। नेक्स्ट, वाशिंगटन DC निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? हडसन,
पुटोमैक, मिसिसिपी या कोलोराडो? बताए, वाशिंगटन डीसी निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? हडसन, पोटोमैक, मिसिसिपी या कोलोराडो? बिल्कुल याद रखिएगा, तो वाशिंगटन डीसी, पोटोमैक, बिल्कुल ऑप्शन नंबर, भाई बड़ा पीछे चल रहे हो यार आप लोग। चलिए बिल्कुल, अजय, वक्रम, वेरी गुड, ठीक है, मुस्कान, ठीक है, अंकित। चलिए, ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं? ये सिंपल है, ठीक है, 1028 सूक्त है, सिंपल सा क्वेश्चन है। अच्छा, भारत किस देश के साथ एक्सरसाइज संप्रीति नामक संयुक्त सेनाभ्यास करता है? इंडोनेशिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल। सिंपल क्वेश्चन है, संप्रीति किसके साथ एक्सरसाइज ये करता है ये आपको बताना है, ठीक है, बताओ। ओके, सभी का जवाब तो सही आ रहा है, अब इसका जवाब दीजिएगा, ठीक है, बिल्कुल सभी लोग इसका सही जवाब दीजिए। सर संप्रीति, सर ये आपके किसके साथ है? सर ये बांग्लादेश के साथ है, ठीक है। अच्छा एक बात और, अभी आपके रात में एक 9 बजे क्लास है, जो 9 बजे क्लास आपकी होती है, ठीक है, रिसर्च सेंटर के ऊपर है, ठीक है, रिसर्च सेंटर के ऊपर है ये, रिसर्च सेंटर के ऊपर ये आपकी है, तो बिल्कुल आप ये कर सकते हैं, इंस्टीट्यूशन के ऊपर क्लास है ये आप कर सकते हैं, काफ़ी फ़ायदा मिलेगा, क्वेश्चंस पेपर में आते हैं। अच्छा ये आई थिंक कल मैं कराया भी था, चलिए फिर से बता दीजिएगा, कल मैं कराया था ये आपको, ठीक है, तो बिल्कुल आप ये करते रहिए, एक चार, ठीक है, ठीक है, आइए बताइए, ये कल मैं कराया था आपको, मुझे ऐसा याद आ रहा है कि कल ये क्वेश्चन मैं कराया था, ये वाला नेशनल डिफेंस एकेडमी, तो भाई सब बता लेंगे कि कहाँ पे है सर, किसी का बी आ रहा है, ओके, सोना का ए आ रहा है, वक्रम का सी आ रहा है, तो जिनका ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल सटीक है बेटा, तुमको पता है नेशनल डिफेंस पुणे था और ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई थी, तो पहला तीसरा ऑप्शन कहाँ दिखा, तीसरे में ही दिखा ना। आइए, सर्वाधिक बौद्ध धर्म किस भाषा में लिखे गए हैं बताइए? संस्कृत, मगधी, प्राकृत या पाली? सर्वाधिक बौद्ध धर्म किस भाषा में लिखे गए हैं बताइए? वो टी है चेन्नई, ओके ओके, ईश्वर, सोना, ठीक है, और अंकित, तनु, मुस्कान, वक्रम, ठीक है, वेरी गुड, सर ये पाली में लिखा गया है। ए मेरे वतन के लोगों गाने के बोल किसने लिखे हैं भैया? मनोज कुमार, प्रदीप, शैलेंद्र या रघुपति सहाय? ठीक है, ए मेरे वतन के लोगों, सर ये प्रदीप द्वारा लिखा गया है, प्रदीप जी द्वारा। कुंभ मेले को किस वर्ष यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया है ये बताना है आपको, ठीक है। तनु बेटा बस ये 2 मिनट और चलेगी क्लास, कंप्लीट ही है आपकी क्लास, ठीक है, आइए। वैसे आज मैं इस क्लास से काफ़ी डिसअपॉइंट हूँ, ठीक है, मतलब चलिए आइए, बिल्कुल ये 2017, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने द स्प्रिंग स्प्रिंगिंग टाइगर लिखा है बताइए? अब्दुल रज्जाक गुरनार, ठीक है, लुइस ब्लू, कर्नल यूटो या पीटर हैटके? बिल्कुल सर आपके कौन है, कर्नल हुईटो, ठीक है, आइए। कॉटोजोना प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? अभी इस पे साथ कल इस पे चर्चा हुई थी, ठीक है, तो ये बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी से संबंधित है आपके, कॉटोजोना प्रोटोकॉल, ठीक है। अच्छा, भारत चीन के अलावा म्यांमार भी किसके साथ सीमा साझा करता है बताओ भैया? भारत और चीन के अलावा म्यांमार भी किसके साथ सीमा साझा करता है? वियतनाम, कंबोडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस, लाओस या थाईलैंड? ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको करिए, फिर क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं कौन इसका सही जवाब देता है। चलिए इसका मैं देखता हूं, ओके आइए सर, ये लाओस एंड थाईलैंड है, वक्रम ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, ठीक है, वक्रम ने बिल्कुल सही जवाब दिया है बेटा, मलेशिया वहां पहुंचा दे रहे हो ना, बहुत सही। आइए, अच्छा ये भी यार अच्छा क्वेश्चन, लेकिन ये तो करंट का क्वेश्चन है, आइए। अच्छा हाँ, नेपाल, भारत और भूटान सीमा पर कौन सी सेना तैनात है? एक दिन याद होगा मैं ये क्वेश्चन पूरा एक्सप्लेन भी किया था आपको, नेपाल, भारत और भूटान सीमा पर कौन सा तैनात है बताइए, बताइए भाई सभी लोग। चलिए बिल्कुल सर, ये सशस्त्र सीमा बल है, ठीक है, ये टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे आप सभी जुड़ सकते हैं हमारे साथ, ठीक है, लेकिन काम वाले बच्चे जुड़ेंगे जिनको ज़रूरत होगी, ठीक है, बाकी पीडीएफ वाले मत जुड़िएगा, ठीक है, सीडीएस, सीएपीएफ, एफकैट, आप बिल्कुल यहाँ जुड़ सकते हैं हमारे साथ, मॉक टेस्ट, स्टडी नोट्स,
ठीक है, वीडियो कोर्सेज, मॉक टेस्ट, स्टडी नोट, डेली लाइफ क्लासेज, ये सारी चीज़ें आपको मिलती हैं, ठीक है। और रही बात 11,000 ज़्यादा सिलेक्शन भी दिए जा चुके हैं, तो अगला नंबर आपका हो सकता है 6,665 का, कुछ सुशांत कोड का यूज़ करके 20% ऑफ आप ले सकते हो, ठीक है, ये सारी चीज़ें। और हाँ, धन्यवाद, आते हैं 9 बजे रात में रिसर्च सेंटर के साथ, ठीक है, रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ, ओके, चलिए मिलते हैं फिर, चलिए तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू टू ऑल। ज्योति बेटा, मास्टर क्लास हमने बंद कर दी है, जब तक आप थोड़ा एक्टिव हो जाइए फिर हम सारी चीज़ें शुरू करेंगे, पहले एक्टिव होना सीखिए बाकी लोग, ठीक है, चलिए। बिल्कुल 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 बकरम बेटा, धन्यवाद, बाकी सभी को धन्यवाद, मुस्कान, ज्योति, तनु, अजय, ठीक है, चलो बेटा। सर अब मास्टर क्लास होती है? नहीं अभी नहीं होती है, जब आप लगेगा मुझे तब मैं खुद शुरू कर दूंगा, ठीक है, चलिए, ओके, बाय बाय, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू टू ऑल, मिलते हैं रात में 9 बजे, ओके, बाय बाय एंड थैंक यू।